टाटा हैरियर अब बस कुछ ही दूर है लॉन्च होने से। आज इस एसयूवी को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर देखा गया है और कमाल की बात यह है कि देखने वाले के दावा है कि गाड़ी की स्पीड 170 या 180 किलोमीटर पर आर की थी। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं कार न्यूज़ बाय हॉटशॉट इन्फो। टाटा हैरियर की ये पिक रश लेन ने शेयर की है और क्लिक की थी सुदीप चक्रवर्ती ने। उनका कहना है कि ये कार सिर्फ टॉप स्पीड में ही नहीं हैंडलिंग में भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि 130 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर भी गाड़ी को शार्प टर्न्स लेते देखा गया है। सुदीप जी का कहना है कि तीन लोग बैठे थे गाड़ी में इंक्लूडिंग द ड्राइवर और फिर भी काफ़ी जगह लग रही थी कार में। किसी को भी पहली झलक में ये रेंज रोवर लगे, और क्यों ना लगे, हम सब जानते हैं टाटा हैरियर और रेंज रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट सेम प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस नई फोटो में आप इसकी प्रॉपर हेडलाइट्स और DRLs भी देख सकते हैं। ये डिज़ाइन पूरी तरह से न्यू है और आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखा गया है। इंजन की बात करें तो इसमें डीजल इंजन आपको फीएट का 2 लीटर का मल्टी जेट इंजन मिलेगा, जो कि 140 PS की पावर देगा। पेट्रोल वेरिएंट के बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है अभी तक। टू व्हील ड्राइव के साथ साथ ये 4 व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शंस में मिलेगी आपको, और मल्टी ड्राइव मोड्स भी होंगे इसमें, जैसे कि टाटा नेक्सॉन और टाटा हेक्सा में देखने को मिलते हैं। ये SUV का साइज काफ़ी बड़ा है और ये हुंडई क्रेटा के प्राइस में जीप कंपस जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ने आ रही है। बहुत लोगों को ये डिज़ाइन पसंद भी आ रहा है। तो ये था टाटा हैरियर का लेटेस्ट अपडेट। ऐसी ही गाड़ियों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू।